एक दूर दराज सल्तनत में, जो एक जादुई जंगल के अंदर छपी हुई थी, एक ऊंचा और तन्हा मीनार खड़ा था। मीनार की पुरानी पत्थरों की दीवारें बेलों से ढकी हुई थीं और ऐसा लगता था कि जैसे ये दरख्तों में ही उग गई हो। मीनार के अंदर एक नौजवान लड़की रहती थी जिसका नाम रपंजिल था। इसके लंबे सुनहरी बालों की आबिशार नीचे जमीन तक पहुँचती थी। रपंजिल अपने दिन खिड़की से बाहर दुनिया को देखते हुए गुजारती थी, ख्वाब देखती थी कि वो बाहर की दुनिया को देख सके। हर दिन एक जादूगरनी रपंजिल से मिलने आती थी। इस जादूगरनी ने रपंजिल को बचपन से ही कैद कर रखा था। मीनार में दाखिल होने के लिए जादूगरनी कहती, रपंजिल रपंजिल अपने बाल नीचे करो, और रपंजिल अपने लंबे बाल नीचे कर देती थी ताकि जादूगरनी चढ़ सके। रपंजिल अपने तन्हा दिन खूबसूरत गाने गाते हुए गुजारती थी। इसकी मधुर आवाज जंगल में गूंजती थी। इसके ख्वाब और ख्वाहिशात मीनार की दीवारों से दूर तक पहुंचते थे। एक दिन जंगल में सवार एक शहजादा रपंजिल की दिलकश आवाज सुनकर हैरान रह गया। उसकी आवाज से मुतासिर होकर वो आवाज का पीछा करता हुआ इस छपे हुए मीनार तक पहुंच गया। मीनार और इसके ऊपर से आने वाली खूबसूरत आवाज को देखकर शहजादा ने फैसला किया कि वो इस लड़की से मिलना चाहिए जो इतनी खूबसूरत आवाज में गाती है। अपनी हिम्मत जुमा करके शहजादा ने पुकारा, रपंजल रपंजल अपने बाल नीचे करो। इसकी हैरानी और खुशी की बात थी कि एक लंबी सुनहरी चटी मीनार की खिड़की से नीचे आ गई। शहजादा सुनहरी चटी से ऊपर चढ़ गया और जब वो मीनार के ऊपर पहुंचा, इसका दिल खुशी से धड़क रहा था। रपंजिल पहले तो चौंक गई, लेकिन शहजादा को देखकर खुश हुई। वो एक दूसरे से मिले और इनके दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन गया। शहजादा और रपंजिल ने मीनार से निकलने का मंसूबा बनाया। वो खुशी से सरगोशियां करते हुए अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने लगे और कैसे वो जादूगरनी को धोखा देंगे। उनकी मंसूबाबंदी उस वक्त रुक गई जब जादूगरनी अचानक वापस आ गई। इसने रपंजिल के बालों से चढ़कर उनके मंसूबे को देख लिया। गुस्से में जादूगरनी ने रपंजिल को कैद कर लिया और शहजादा को जंगल में अंधा करके भेज दिया। अंधे होने के बावजूद शहजादा ने रपंजिल को बचाने का अज़्म किया। इसने वादा किया कि वो उसे दोबारा ढूंढेगा, अपने दूसरे हिस्सों की मदद से जंगल में रास्ता बनाएगा। शहजादा ने अपनी तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए एक रस्सी की सीढ़ी बनाई और रात के अंधेरे में वापस मीनार आया, ताकि रपंजिल को एक बार हमेशा के लिए बचा सके। शहजादा रस्सी की सीढ़ी से मीनार चढ़ गया और रपंजिल को जादूगरनी की गिरफ्त से आज़ाद कराया। इन्होंने जादूगरनी का मुकाबला किया, जो लड़ाई में मीनार से गिर गई। रपंजिल और शहजादा मीनार से निकलकर जंगल में आज़ादी की तरफ दौड़ गए। जैसे जैसे वो हिफाजत के करीब पहुंचे, शहजादे की बीनाई वापस आ गई। वो शहजादे की सल्तनत में वापस आए, जहां रपंजिल को खुश आमदीद कहा गया। शहजादे के खानदान और कस्बे के लोग इनकी वापसी पर खुश हुए और रपंजिल के लंबे सुनहरी बालों पर हैरान रह गए। रपंजिल और शहजादा ने खुशी से भरपूर जिंदगी गुजारी, जादूगरनी की कैद से आज़ाद हो गए। इन्होंने एक नई जिंदगी बनाई, जो मोहब्बत और मुहिमजोई से भरपूर थी, और रपंजिल के गाने उन सबको खुशी देते रहे जो इन्हें सुनते थे।